प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत। तो ऐसी करने वाली सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार। कौन है? छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। अब छत्तीसगढ़ क्या हुआ वो इस पे कार्यक्रम में कि पशुपालकों से सरकार गोबर खरीदेगी और गोबर से जैविक खाद का निर्माण करेगी। अब छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। इसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। इसके सीएम अभी हैं भूपेश बघेल, गवर्नर अभी वहाँ की है अनुसुईया उइके, और वहाँ का कैपिटल अभी है न्यू रायपुर, जिसका नया नाम अटल नगर रखा गया है। अटल नगर रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में सैप एक संस्था है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, एप्लीकेशन बनाती है और प्रोग्रामिंग करती है कि नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया है। वो बनाया गया है कुलमित काबा को बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है? चेयरमैन और एमडी। सैप इंडिया का हेड क्वार्टर बेंगलोर में है और जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी 1996 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और अभी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कुलमित काबा को। वैसे सैप जो संस्था है इसकी स्थापना 1972 में की गई थी जर्मनी में। सैप की स्थापना 1972 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जर्मनी में। और इंडिया में कब की गई है? 1996 में किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? किस देश में उपभोक्ता को क्या करने के लिए, ग्राहक को संरक्षण देने का कानून ज़्यादा टाइट किया गया है, ज़्यादा पारदर्शी बनाया गया है, किस देश में? वह देश है भारत, इंडिया में। यहाँ पूरा पैमाना तय कर दिया गया है कि इतना से ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इतना सामान देना है, इतना रेट में देना है, सारा कुछ पारदर्शी हो गया है। ऐसा करने वाला देश कौन है? अभी इंडिया में। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरण की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आज भारत या कई पति में सैनिक लोग की ज़्यादा मृत्यु
बारूदी सुरंग के कारण होता है। बारूदी सुरंग क्या होता है कि जमीन के अंदर या रोड के में लगा दिया जाता है और पता नहीं चल पाता है, तो वही पता करने के लिए, पता करने वाला भी पता करने के लिए हटाने के लिए उपकरण का निर्माण किस कंपनी के साथ समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने कि जिससे सैनिकों को कम क्षति हो। तो रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग को हटाने के लिए जो उपकरण जो बनाया जाएगा वह कंपनी है बेमेल। बेमेल एक कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड आईसी का शॉर्ट फॉर्म में हो गया बेमेल, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है। ये भी रक्षा मंत्रालय का ही कंपनी है बेमेल। यहाँ बहुत प्रकार का उपकरण वगैरह बनता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन ही है कंपनी बेमेल है। तो वहाँ पर उसकी स्थापना 1964 में की गई थी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर, बेंगलोर में है। इसके अध्यक्ष भी हैं केटी होटा इसके अध्यक्ष हैं बेमेल कंपनी का। ये सब बहुत पूछता है कि बेमेल कंपनी की स्थापना कहाँ, कब हुई, कहाँ है, कौन अध्यक्ष हैं। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन से ही बन गया। तो इसको लिखते चलेंगे साथ साथ में कि रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग को हटाने के लिए उपकरण की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो वह कंपनी कौन है, बेमेल, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, अध्यक्ष है केटी होटा। इसके बाद एक किताब है टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। एक किताब है टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक की लेखक है मैरी ली ट्रंप जो यूएसए की हैं, और यह नीस हैं किनकी, डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को इस किताब के माध्यम से डेंजरस मैन यानी कि एक क्रिएट कर दिया क्या कि हम क्या हैं, पूरे वर्ल्ड के डेंजरस मैन। एक किताब शीर्षक के नाम से बना है, वह डोनाल्ड ट्रंप को ही ध्यान में रखकर ऊपर लिखा गया है। वह लिखने वाली कौन है, मैरी ली ट्रंप यूएसए की है, जो डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी है। तो यह 5 क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ ने। इससे गोबर खरीदेगी और जैविक खाद बनाएगी। भारत में सैप इंडिया के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो कुलमित काबा को। इसका मुख्यालय इसका बेंगलोर में है हेडक्वार्टर, और इसका स्थापना 96 में किया गया। इसे इसके जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इसे किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है, तो भारत। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरण खरीद के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है, वह कंपनी कौन है, बेमेल,
और एक किताब है टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान में रखते हुए उनकी भतीजी मैरी ली ट्रंप ने लिखी है ये किताब। बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह रहा 5 क्वेश्चन आपके समक्ष रखे, उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगले क्लास में पुनः 5 नए टॉप 5 क्वेश्चन के साथ करंट के साथ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।